हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रशियन सैलेड की रेसिपी। ये सैलेड हमारा फ्रूट्स और मैक्रोनी से बनता है। आप मैक्रोनी की जगह पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। ये चिल्ड यानी कि ठंडा ही सर्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून एगलेस मेयोनीज लेंगे। साथ ही हम ले लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। हमें थोड़ा स्वीट एंड सार टेक्सचर चाहिए है इसका। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप इसमें ये चारों चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे, फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप एप्पल। एप्पल डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 1 कप पपाया यानी कि पपीता। पपीता हमारा थोड़ा मीठा ही होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थिक हो गया है इसलिए मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून मिल्क डालूँगी। नेक्स्ट हम डालेंगे 1/2 कप ग्रेप्स। इसे अच्छे से मिक्स देंगे। आप यहाँ पे फ्रूट्स अपने चॉइस के डाल सकते हैं। यू कैन ऐड पोमेग्रेनेट, अनार और साथ में 1 कप बॉइल्ड मैक्रोनी। आप यहाँ पे बॉइल्ड पास्ता भी डाल सकते हैं, पेने पास्ता और एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। आपको मैक्रोनी पास्ता जो भी डालना है, आई हैव यूज्ड मैक्रोनी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें ये ध्यान रखिए कि अगर ये बहुत थिक हो जाए तो प्लीज़ ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क। और इसमें आप सॉल्ट एंड पेपर और कंडेंस मिल्क अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसको एक अलग बोल में शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको शिफ्ट करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये कलरफुल सैलेड। अब हम इसको कवर करेंगे क्लिंग फॉइल से। हम एक क्लिंग फॉइल लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे और हम इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। कम से कम आप 5 घंटे से रखिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। एंड सर्व इट चिल्ड। Just before serving, take it out from the fridge. I hope you liked my recipe. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.